बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा फल की घोषणा आज की गई, जिसमें 8 संकाय में कुल 6,34,480 विद्यार्थियों में 5,46,621 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार कुल संख्या का यह 86.15% उत्तीर्णता है। वाणिज्य संकाय में 39,658 विद्यार्थियों में 37,629 विद्यार्थी पास हुए हैं, जो 94.88% है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में 6,17,334 विद्यार्थियों में से 5,42,008 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 87.8% है। इस प्रकार तीनों संकायों को मिलाकर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में कुल 12,91,684 विद्यार्थियों में से 11,26,439 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 87.21% है। इनों अलग अलग संकायों में पूरे राज्य में जिन्होंने टॉप 5 पोजीशंस हासिल किया है आज जारी की गई है, जिसके अनुसार पूरे राज्य में विज्ञान संकाय में जीएम उच्च विद्यालय सा इंटर कॉलेज बढ़रिया सिवान के मृत्युंजय कुमार ने राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 481 अंकों की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार के 96.2% मार्क्स के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान पर आए हैं। इसी प्रकार 8 संकाय में तुषार कुमार, जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एवं साइंस के छात्र हैं, इन्हें 482 अंक प्राप्त हुए हैं और ये भी 96.4% के साथ इन्होंने 8 संकाय अर्थात कला संकाय में पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार वाणिज्य अर्थात कॉमर्स संकाय में सुश्री प्रिया कुमारी, जो महात्मा गांधी आदर्श उच्च विद्यालय भवनदीघा शेखपुरा की छात्रा है, इन्होंने 478 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 95.6% अंक। तीनों संकायों में विज्ञान में कुल 11 विद्यार्थी टॉप 5 में स्थान प्राप्त किए हैं, आर्ट्स में 5 विद्यार्थियों ने टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया और वाणिज्य में 8 विद्यार्थियों ने टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष का पासिंग परसेंटेज पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर रहा। यदि हम पिछले 5 वर्षों का पासिंग परसेंटेज के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में 79.76, 2020 में 80.59, 2021 में 78.04, 2022 में 80.15 और 2023 में 83.73% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की थी। 87.21% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। उत्तीर्णता में बेहतरी के कई कारण हैं और निश्चित रूप से विगत कई महीनों से शिक्षा विभाग के तत्वावधान में कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं,
उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव इस रिजल्ट पर दृष्टिगोचर हो रहा है। अगस्त 2023 के बाद से प्रत्येक माह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी विद्यालयों में मासिक रूप से टेस्ट की व्यवस्था की जाती रही है। इसके अलावा त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाता रहा है। इन सभी मंथली टेस्ट एग्जामिनेशन की कॉपीज भी सभी विद्यार्थियों को वापस की जाती है और इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपने अपने रिजल्ट को देख सके, अपनी कॉपियों को देख सके। इसके अलावा सभी विद्यालयों में अपराह्न 4 बजे के बाद 4 से 5 जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती है। शिक्षकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति के कारण उससे भी पठन पाठन व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। इन सभी कारणों से इस वर्ष का उत्तीर्णता प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में सबसे बेहतर रहा है और यह निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए गौरव और खुशी का विषय है। इसमें जो तीनों संकायों में अलग अलग छात्रों और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत है उसमें भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य आंकड़ा है कि तीनों ही संकायों में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इन तीनों संकायों में छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। अर्थात आर्ट संकायों में फीमेल कैपेसिटी परसेंटेज 88.07 है और मेल कैपेसिटी परसेंटेज 83.17 है। वाणिज्य में छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.91 और छात्रों का 93.86% है। विज्ञान में छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 89.71 और छात्रों का 86.73% है। यदि हम तीनों संख्याओं को मिलाकर रिजल्ट की बात करें तो तीनों संख्याओं को मिलाकर छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 88.84% है और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.69 है। निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। उन सबों के आरोप में इस वर्ष भी इस प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार इस वर्ष भी लगातार 6वें वर्ष समिति द्वारा मार्च माह में ही इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है जो पूरे देश में सबसे फास्ट गति से गुणवत्ता पूर्ण तरीके से स्वच्छ कदाचार रहे और उत्कृष्ट तकनीक का उपयोग करते हुए समिति द्वारा लगातार 6वें वर्ष देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया है जो एक पूरे देश के लिए रिकॉर्ड। मूल्यांकन की तिथि से 29 दिनों के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है और इसके साथ साथ जो भी अलग अलग विषयों में टॉपर्स के जो अंक प्राप्त हुए हैं वह भी काफी अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। इससे यह धारणा भी अब स्पष्ट रूप से बलवती होती जा रही है कि पूर्व के वर्षों में जो बिहार बोर्ड के टॉपर्स को या बिहार बोर्ड के छात्रों को कम अंक प्राप्त होते थे अब बिहार बोर्ड के भी छात्रों को छात्राओं को अन्य बोर्डों की तुलना में काफी बेहतर अंक प्राप्त होते हैं और इसके कारण न सिर्फ उन्हें अन्य जगहों पर एडमिशन लेने में कठिनाई नहीं होती है बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पहले की तुलना में काफी बेहतर होता है। ये सारी उपलब्धियां बिहार बोर्ड के सभी हमारे पदाधिकारियों और कर्मियों के कारण संभव हो पाया है। अतः इस परीक्षा फल के ससमय त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रकाशन के लिए मैं समिति के सभी पदाधिकारियों कर्मियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं और इसके साथ साथ राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ
उन सभी तमाम मजिस्ट्रेट्स पुलिस कर्मी जिन्होंने पूरे परीक्षा व्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उन सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी प्रधानाध्यापक शिक्षण संस्थानों को भी मैं बधाई देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी छात्र और छात्राएं आज के इस परीक्षा फल में जिन्होंने उत्तीर्णता हासिल की है, जो पास हुए हैं, वे तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र रहेंगे। और जिन छात्र छात्राओं को भी किसी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं हो पाई है, उनके प्रति भी मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जल्द आगामी अप्रैल माह में इस पूरे नए व्यवस्था के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी फॉर्म भरा जाएगा, आप उसमें अप्लाई करें। 28 मार्च से इस परीक्षा के लिए स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। जिनको भी यदि अपने अंकों में किसी प्रकार की कमी लगती है या किसी प्रकार का उन्हें संतोष है, वे 28 मार्च से स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसी प्रकार कंपार्टमेंटल के लिए भी फॉर्म 28 मार्च से भरे जाएंगे और उसका आयोजन भी शीघ्र किया जाएगा, ताकि अगला सेशन शुरू होने के पूर्व अधिकतम मई माह तक हम लोग कंपार्टमेंटल का भी रिजल्ट देने का हमारा लक्ष्य है, ताकि ऐसे विद्यार्थियों को किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं हो।